आज हम बात करेंगे पेजेस के अबाउट। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जो आपको ऑप्शन नजर आता है पेजेस का, तो उसका क्या यूज है और अब उसको किस तरह से यूज करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेजेस के अबाउट। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जो आपको ऑप्शन नजर आता है पेजेस का, तो उसका क्या यूज है और अब उसको किस तरह से यूज करेंगे। तो इसको मजीद समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास पेजेस का, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेजेस एक्चुअल में होते क्या हैं। पेजेस बेसिकली आप वेबसाइट्स के अंदर जितने भी वेब कॉन्टेंट आपको नजर आता है वो पेजेस के ऊपर बेस कर रहा होता है, राइट। अभी आप यहाँ पे ऑप्शन मतलब आप ऐड कर सकते हैं पेजेस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस क्या है पोस्ट के अंदर और पेजेस के अंदर। जब हम पोस्ट ऐड करते हैं, जैसे ये मैंने एक पोस्ट ऐड की, तो ये भी तो बेसिकली एक पेज के ऊपर ही नज़र आ रही है, राइट। यहाँ पे देखें, ये पोस्ट हमें नज़र आई। अब ये पेज ही तो है, लेकिन इसको हम पोस्ट क्यों कहेंगे और पेजेस में क्या ऐसा डिफरेंस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। पोस्ट बेसिकली आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, राइट। पेज आप एक पेज बना रहे हैं, ठीक है, उस पेज के ऊपर कंटेंट बेस करता है, राइट। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से एक सैम्पल पेज आता है। अब लेट्स से मैं इस पेज को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें, हमारे पास ये एक पेज नज़र आया है, राइट। और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल पोस्ट की तरह ही। आगे चल के जब हम इस पेज को कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि पेज में क्या डिफरेंस हो और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर बिल्कुल मतलब इन शॉर्ट समझाऊं तो पेजेस हैं, पेजेस के ऊपर पोस्ट्स आके लाई करती हैं, राइट। मतलब हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं वो पेजेस के ऊपर आके नज़र आएंगी हमें। तो पेजेस का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर पेजेस नहीं होंगे तो पोस्ट हम किसके ऊपर शो करवाएंगे, राइट। तो चलें चलते हैं मज़ीद देखते हैं कि किस तरह से पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से डिलीट और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पे आ चुके हैं हम पेजेस पे, और यहाँ पे दो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, पेज और ऐड न्यू। ओके, ऑल पेजेस यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो कुछ पेजेस आते हैं। इनको चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके मूव टू ट्रैश कर दूँगा। अब यहाँ पे ट्रैश में आ गए। अब इनको यहाँ से मैं सेलेक्ट करके डिलीट परमानेंटली कर दूंगा। ओके, उसके बाद अब मुझे पेजेस बनाने हैं, तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा ऐड न्यू के ऊपर और यहाँ पे मैं पेज का नाम लिखूंगा, लेट्स सपोज होम पेज। ओके, और यहाँ पे मैं कोई भी कंटेंट लिख सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो पेजेस होंगे उनके अंदर हम कंटेंट इस तरह से नहीं डालेंगे, उन पेजेस को क्रिएट करके डिज़ाइन करेंगे कम्प्लीटली। जैसे होम का पेज हो गया, अबाउट का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया। तो पेज बना के फिर उसको डिज़ाइन करके उसके ऊपर वो स्पेसिफिक चीज़ें लगाएंगे, राइट। तो अभी मैं इसको जस्ट सिंपल पब्लिश कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक पेज क्रिएट हो गया। इसी तरह मुझे और पेजेस बनाने हैं तो वो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। वापस चल के हम आते हैं, यहाँ पे देखें ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो वापस एडिट इस तरह से कर सकता हूँ। इसका नाम चेंज करना चाहूँ, ये चेंज करना चाहूँ, परमालिंक इसका, जो कुछ भी चेंज करना चाहूँ वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली बेसिक सी चीज़ें हैं जो पेजेस का मैंने अबाउट आपको बताया। मज़ीद आगे चल के जब इनको हम प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पेजेस एक्चुअल में क्या डिफरेंस है पेजेस और पोस्ट में। मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं कि पेजेस और पोस्ट में क्या डिफरेंस है और पेजेस किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उनको मैनेज करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास सामने ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि बेसिक्स ऑप्शंस हैं, डिलीट करना है, एडिट करना है, ट्रैश में डालना है, व्यू करना है। अगर मैं इसको व्यू करना चाहूँ तो सिंपल क्लिक करूँगा और व्यू, और ये एक ब्लैंक पेज होगा, राइट। यहाँ पे इसका टाइटल है, इसके ऊपर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो ये ब्लैंक पेज है, राइट। तो इनको हम कहते हैं पेजेस। आई होप आपको समझ आई होगी कि पेजेस एक्चुअल में क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। आगे चल के इनको हम सब चीज़ों को असेंबल करेंगे। बेसिकली मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं। अभी हम पार्ट्स में पूरे वर्डप्रेस को देख रहे हैं कि ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है। आगे चल के जब हम कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे, इन सबको कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, तब आपको समझ आएगी कि ये सारी चीज़ें किस तरह से आपस में मिलकर काम करती हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर हम बात करेंगे कमेंट्स के अबाउट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।